हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम कल्याण ज्वेलर्स शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में अभी क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या चार्ट स्ट्रक्चर बन सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, इस स्टॉक को ऑलरेडी हम यहाँ पे एंट्री हो चुका है 6970 के आसपास। एंड देखिए, इस वीडियो में हम डिटेल्स में एनालिसिस किए थे एंड इस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाकर आप कंटिन्यूएशन को समझ पाएंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। देखिए, इस स्टॉक का प्राइस जो है ना, इस चैनल को देखिए फॉलो कर रहा था। यहाँ पे जो दो ब्लैक लाइन ड्रॉ हुआ है ना, इस चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास जब भी प्राइस आ रहा था, प्राइस को डिमांड देखने को मिला था एंड अपर बाउंड्री के आसपास प्राइस को सप्लाई देखने को मिला था। देखिए, हम जो प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस किए थे वहाँ पे मेरा व्यू था कि जो चैनल यहाँ पे, चैनल का जो अपर बाउंड्री यहाँ पे आ रहा है ना, प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है। एंड जब भी प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा होगा ना, वहाँ पे कभी भी आपको ना फ्रेश एंट्री करना है ना एग्जिट करना है। जैसे कि आप देखिए, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद जो मूव दिया ना, मूव देने के बाद रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे एक बेस बनाया था। देखिए, मैं मल्टीपल टाइम एनालिसिस किया हूँ कि आपको उसी स्टॉक में एंट्री करना ही करना है जी। जो भी स्टॉक ना एक वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस के आसपास आकर कंसोलिडेशन करता है एंड बेस बनाने के बाद ब्रेक करता है। एग्जैक्ट देखिए, प्राइस के लिए पहला बेस यहाँ पे था एंड बेस को प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया एंड आपका एंट्री यहाँ पे बन गया। एंड अभी देखिए प्राइस क्या हुआ है, पहला बेस ब्रेक करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे उसका सेकेंड बेस क्रिएट किया था। देखिए, जो प्राइस कंसोलिडेशन होता है ना, वो खुद को रिफुलिंग करने के लिए, मतलब उसके बाद बड़ा मूव आएगा। अगर प्राइस यहाँ पे पुल बैक करेगा तो वही बेस अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। अगर आप विदाउट बेस में एंट्री करते हैं, नहीं तो विदाउट कंसोलिडेशन में एंट्री करते हैं, आपके लिए वहां पे दिक्कत होगा। अगर प्राइस पुल बैक करेगा तो आपके लिए एग्जिट पॉइंट आप कहां पे डिसाइड करेंगे। इसीलिए प्राइस के लिए कंसोलिडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पे सेकंड बेस का प्राइस यहां पे ब्रेकआउट कर दिया है एंड यहां पे मैं अगर वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा तो देखिए, एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम के साथ जो चैनल आ रहा था उसका लाइफ टाइम हाई से चैनल का अपर बाउंड्री को भी ब्रेक किया है एंड जो यहां पे प्राइस ने बेस बनाया था उसी बेस का अपर बाउंड्री को ब्रेक करके हाई वॉल्यूम के साथ अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। जिनके पास है नो डाउट उनको तो होल्ड करना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है अभी क्या हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको एक साथ क्वांटिटी नहीं लेना है। एंड कैसे आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है, इसलिए मैं यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया हमारा मेजर ट्रेंड लाइन, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी एनालिसिस किए थे कि आपको ना हमेशा से जब भी स्टॉप लॉस देना है ना, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस को डिफाइन करना है। क्योंकि जब भी स्टॉक कोई भी ट्रेंड में होता है ना, मैक्सिमम टाइम जो उसका मोमेंटम ट्रेंड लाइन होता है उसको प्राइस ब्रेक नहीं करता है। देखिए, इस स्टॉक के लिए जो यहाँ पे ब्लू लाइन जा रहा है ना, ये हो गया मोमेंटम लाइन। इस स्टॉक का प्राइस जब भी ना इस मोमेंटम लाइन के आसपास आएगा, यहाँ पे आपको बैंक देखने को मिलेगा। हाँ, एक बार ब्रेक होगा, लेकिन एक बार ब्रेक होने से पहले शायद 4 से 5 टाइम आपको इतना रिवार्ड दे चुका होगा कि एक टाइम का लॉस आप टॉलरेट कर पाएंगे। लेकिन जब तक प्राइस इस मोमेंटम लाइन को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप स्टॉक को होल्ड करना है एंड टाइम के साथ आप इस मोमेंटम लाइन को फॉलो करना है। अगर आपका लोअर लेवल में एंट्री हुआ है 69-68 के आसपास, आप पार्सल प्रॉफिट बुक करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर पार्सल प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, बीच में अगड़ा पुल बैक आ जाएगा तो वहां पर दिक्कत में आप आ सकते हैं। आप फ्रेश एंट्री अगर 77 में कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप फुल्ली क्वांटिटी मत लीजिएगा। प्राइस ने बेस का ब्रेकआउट आया है, शायद एक बार पुल बैक आ सकता है इस मोमेंटम लाइन के आसपास। अभी के लिए मोमेंटम लाइन का जो सपोर्ट बन रहा है ना, वो बन रहा है 71.5 के आसपास। मानिए कल नहीं तो परसों पुल बैक करके 71.5 के आसपास आता है, वहां पे आप ले सकते हैं, नहीं तो क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास है नो डाउट होल्ड करना है, फ्रेश एंट्री अगर यहाँ पे कर रहे हैं 30% क्वांटिटी ले सकते हैं एंड अगर पुल बैक आएगा 71.5-72 के आसपास, वहां पे आपको बैलेंस क्वांटिटी ऐड करना है। एक ही पॉइंट पर कभी भी फुल्ली क्वांटिटी नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे गैप अप हो जाता है ना, गैप अप केस में आपको अवॉइड करना है एंड इस मोमेंटम लाइन के आसपास प्राइस को आने दीजिए। एंड मेरा व्यू में स्टॉक का प्राइस लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है। जो इसका लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बन रहा है ना, नियरली 89
90 के जोन में इस लेवल के आसपास जा सकता है, लाइफ टाइम हाई के आसपास आएगा। यहाँ पे थोड़ा सप्लाई आएगा क्योंकि हमेशा से लाइफ टाइम हाई के आसपास जब भी स्टॉक का प्राइस जाएगा ना, वहाँ पे एक बार के लिए सप्लाई आएगा एंड वहाँ पे रिव्यू करेंगे जो सप्लाई आएगा वो सप्लाई कहाँ तक आ सकता है उसका मोमेंटम को देखकर वहाँ पे पता चलेगा। अभी के लिए आप इस मोमेंटम लाइन को फॉलो कर सकते हैं, जब भी इस मोमेंटम लाइन के आसपास आता है आपको एंट्री करना है एंड आपका क्वांटिटी को हमेशा कंट्रोल रखना है एंड पार्सल प्रॉफिट हमेशा से बुक करना है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। एंड स्टॉप लॉस हमेशा से जो ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे से जा रहा है उसके नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तो आवर्ली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर वो फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिएगा। और जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तब तक आप स्टॉक को होल्ड कर नहीं पाएंगे। जैसे कि देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा होगा ना, यहाँ पे आप दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा स्टॉक तो नहीं जा रहा है ना, इसलिए का एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वांटिटी को मैनेजमेंट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।